हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की। न्यूक्लियर मॉडल हमने पढ़ लिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी फाइंड आउट कर ली थी। आईआईटी जेई की रिक्वायरमेंट के लिए लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा हो, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स द गोल्ड न्यूक्लियस। हेड ऑन कोलिजन मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, गोल्ड के लिए, फॉर गोल्ड एटॉमिक नंबर वैसे तो याद होता है स्टूडेंट्स को, 79। तो एटॉमिक नंबर इज 79, जरूरत पड़ने पर हम उसको 90 मान के कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, तो 79। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें, हाउ टू डू इट। आपको फॉर्मूला मालूम है, आर मिनिमम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो चलिए बस यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 इंटू जेड 79, के भी तो है, के 9 × 10⁻⁹ इन एसआई यूनिट, तो सब कुछ एसआई में लेंगे, फिर 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर अपॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मीन्स 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो 1.6 × 10⁻¹⁹। देखो ये एक पार इससे कैंसिल आउट हो गई, 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करें तो इसको 80 मान लेते, 80 मान लेते अप्रोक्सीमेटली, इंटू 9 ये हो गया, और नीचे 10⁶, तो ऊपर 10³ बचा, इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये मीटर में आया, थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो गया, ये 72, लगभग 72, 7.2 ले लो, 720 हो गया था, बट 7.2 ले लो, इंटू 1.6 × 10⁵, 5 इसमें से कम कर देंगे, तो 10⁻¹⁴ मीटर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 16 × 32 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 से, 12 × 42 43, 72, 2, 5, 11, 2 के बाद 11.12, सो वी कैन से दैट 1.15 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻¹⁹, हाउ मच इट विल बी, -13 मीटर और समथिंग। इसको थोड़ा सा सही से चेक कर लेंगे, 9 तो 720 तो 7.2, 10⁻¹⁹, 5 कम कर लेंगे तो 14 रह गया, 14 हो गया, और ये 1.12 या 11.2 × 10⁻¹⁹ मीटर लगभग ही है। सो दैट इज इट, दिस इज द साइज ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। सो गोल्ड न्यूक्लियस इज रिलेटिवली लार्जर इन साइज, सो व्हाट एवर डेटा इज गिवन वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस लाइक दिस। तो ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे, दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, फाइंड
अप्रॉक्सीमेट साइज और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ निकल एटम, निकल एटम मास नंबर ऑफ निकल इज 64, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस आप समझ गए होंगे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पार 1/3, और आर नॉट की वैल्यू नियरली 1.3 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर इंटू ए 64^1/3, तो ये 4 आ गया, 5.2 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर। एसआई में बोलना है तो बोल दो 5.2 इंटू 10^-15 मीटर, सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट। और एक क्वेश्चन लेते हैं चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर से 200 फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 180 डिग्री, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर सेम। तो बस समझ गए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट एन एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो यू कैन सी दैट एन थीटा 2 अपॉन एन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन टू द पावर साइन थीटा 1/2 अपॉन साइन थीटा 2/2 टू द होल पावर 4। तो एन 180 यू वांट टू फाइंड आउट, एट 90 डिग्री यू हैव 200 पार्टिकल्स। नाउ 90 साइन 90 अपॉन 2 अपॉन साइन 180 अपॉन 2 टू द होल पावर 4। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, साइन 45 दैट मींस 1 अपॉन रूट 2 टू द पावर 4 अपॉन साइन 90 1 टू द पावर 4, सो दिस इज व्हाट 1/4। सॉल्व करोगे तो यू गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एन एंगल ऑफ 180 डिग्री वुड बी व्हाट, 200 अपॉन 4, 50 पार्टिकल्स, 50 अल्फा पार्टिकल्स। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगी और कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो यू विल बी स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम्स। अनदर क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 2 इफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल
इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करें। अब ध्यान दो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो जरा। क्वेश्चन ने कहा है कि इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इंक्रीज्ड, डी लगा दो, इंक्रीज्ड बाय 50%, दैट मींस 1.5 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, फाइंड परसेंटेज चेंज इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब बाकी के फैक्टर्स सब सेम हैं, सेम मेटल फॉयल इज यूज्ड, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो क्या फॉर्मूला था? आर मिनिमम वाज व्हाट? 2 kz e² अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अब बाकी के सब फैक्टर, ये सारे फैक्टर सेम हैं, तो फिर क्या कहें? आर मिनिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। तो क्या बोलोगे? आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू टू द पावर टू। रख लो वैल्यू, आर टू डिस्टेंस ऑफ न्यू क्लोजेस्ट अप्रोच इनिशियली कितनी थी? स्मॉल आर। वेलोसिटी कितनी थी? मान लो वी। अभी वेलोसिटी कितनी कर दी? नाउ यू हैव इंक्रीज्ड द वेलोसिटी बाय 50%, दैट मींस 1.5 वी टू द पावर 2। वी से वी कैंसिल, 1 अपॉन 1.5 का स्क्वायर 2.25। सो व्हाट इज आर टू? डिक्रीज्ड आर अपॉन 2.25। ये वैल्यू आ गई आर टू, सो डिक्रीज्ड। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे बने, लिखें? तो परसेंटेज डिक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन 2.25 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू आर इंटू 100। तो क्या वैल्यू हो गई? 2.25 माइनस 1, 1.25 अपॉन 2.25 इंटू 100। थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे, वैसे हो जाएगा ये 5/9 इंटू 100, तो बस यही परसेंट हो गया, 500/9। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, दिस इज योर आंसर। सो लाइक दैट क्वेश्चंस आर देयर, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। हो गया बस ये। वैसे इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, आर। इफ अनदर एक्सपेरिमेंट is conducted with another metal foil of atomic number वन पॉइंट फाइव टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल्ड डबल्ड, फाइंड परसेंटेज चेंज
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये, इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वापस करो सॉल्व क्वेश्चन को। देखो फॉर्मूला वापस वही, आर मिनिमम इज इक्वल टू टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन, इस बार काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ले लो, तो इस बार जेड भी वैरी करा रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी भी वैरी करा रहे हैं, तो वी कैन से दैट आर टू अपॉन आर वन वुड बी इक्वल टू जेड टू अपॉन जेड वन इंटू काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टू। तो आर टू अपॉन आर इज वॉट, जेड कितना कर दिया 1.5 टाइम्स है ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, तो 1.5 टाइम्स रेशियो, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड दैट मींस 1/2, सो इट इज व्हाट 3/2, तो 3/4, तो आर टू की वैल्यू यहां से आ गई 3/4 और आर और 0.75 आर डिक्रीज, तो परसेंट डिक्रीज वी कैन कैलकुलेट, दैट इज इनिशियल वैल्यू आर माइनस 0.75 आर अपॉन, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे आप, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, सो व्हाट विल बी 0.25 इंटू 100, 25%, दैट इज इट, यही आंसर है। सो लाइक दैट दिस इज द प्रैक्टिस वी हैव डन फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। That is it for now, and we will take the drawbacks of Rutherford model in the next video. That's it for now.